लोकप्रिय तमिल टेलीविजन धारावाहिक अभिनेत्री चित्रा की आत्महत्या के बाद पूरे राज्य में शोक पसर गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चित्रा के पिता कामराज और रिश्तेदारों ने नजरीत पिटाई पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज की है, जिसमें चिट्टू की मौत की तत्काल जांच की मांग की गई है। कामराज ने कथित तौर पर पुलिस से अनुरोध किया है कि वह इस घटना के पीछे असली व्यक्ति को ढूंढे। इससे पहले चिट्टू की मां ने यह दावा किया था कि उनकी बेटी के निधन के आसपास कोई न कोई रहस्य है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। चिट्टू की मां ने आत्महत्या पर संदेह जताया और पुलिस से यह भी पता लगाने का अनुरोध किया है कि कहीं ये घटना एक हत्या तो नहीं है। खबरों के मुताबिक उसे ईपीवी फिल्म सिटी के पास चेन्नई के बाहरी इलाके में एक होटल के कमरे में फंदे से लटकता पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि चिट्टू ने कल रात विजय टीवी पर एक आगामी कार्यक्रम में भाग लिया और यह ईपीवी फिल्म सिटी में हुआ। रात में लगभग 2:30 बजे शूटिंग पूरी हो गई और चूंकि घर की यात्रा करना और अगले दिन सुबह फिर व्यवहारिक रूप से वहां पर आना संभव नहीं था, इसलिए चिट्टू ने पास के ही एक निजी होटल में रहने का फैसला किया। चिट्टू ने हेमंत नाम के एक उद्यमी से सगाई कर ली थी और फरवरी 2021 में शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि हेमंत होटल में रहने के दौरान चिट्टू के साथ था, उस दौरान चिट्टू को मृत पाया गया। ये खबर जैसे ही सामने आई सभी अचंभे में पड़ गए कि आखिरकार उनकी चहेती अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह हाल ही में साझा किए गए वीडियो में और चित्रों में बहुत खुश, सकारात्मक और जीवंत लग रही थी, इसलिए लोग वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चिट्टू के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं के लिए किलपुल मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। पुलिस अधिकारी इस घटना के बारे में चिट्टू के मंगेतर हेमंत और होटल के कर्मचारियों से लगातार जांच कर रहे हैं। उम्मीद है इस केस में कोई ना कोई बड़ा खुलासा जल्द ही होने वाला है।